On my head I have a crest, all say I dance the best. Of my feathers I am proud, before the rain I cry loud. ये जो पीकॉक है, पीकॉक के बारे में वो बता रहे हैं कि पीकॉक के ऊपर ये क्या होता है, ताज होता है, ताज जैसे पंखे होते हैं. All say I dance the best. सभी लोग बोलते हैं कि पीकॉक बहुत अच्छी तरह से डांस करता है. उसके जो ये पंख है वो बहुत से कलरफुल रंग बिरंगी होते हैं. जब बारिश आती है तो वो बहुत खुशी से नाच उठता है. और जब बारिश आने में देर है, काले काले बादल छा गए हैं, उसको देखकर वो बहुत खुश होता है. तो ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? पीकॉक. पीकॉक. लॉन्ग एंड ब्रॉड आई एम इज माय टेल. High up in the sky I shall. I peek and eat all the mice. The eagle is what you call me. ये ईगल है. ईगल क्या होती है? वो रात को ही देखने को मिलती है, वो सुबह वो नहीं देखने को मिलती है. The peek eat the mice. वो चूहे को खाती है और बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ती है. तो ये कौन है? ईगल है. उसकी ये जो पूंछ होती है ना पीछे की, वो बहुत बड़ी होती है. फिर ये माय फेदर्स आर ग्रीन, माय बीक आर रेड. गुआवा एंड ग्रीन, चीनी आई एम रेड. आई लव टू इमिटेट पीपल वॉइस एंड कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइस. ये कौन है? ये वाला जो ग्रीन कलर का उसका पूरा शरीर है, चांच है उसकी लाल कलर की है, उसको मिर्ची पसंद है. ये कौन सा बर्ड है? ये कौन सा बर्ड है? पैरोट. मैडम पैरोट का नाम है इंग्लिश. फिर ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई क्रॉप. काऊ काऊ आई डू ऑल डे लॉन्ग. ये जो उसका बॉडी है वो पूरा ब्लैक कलर का है. उसकी जो फेदर्स है, उसकी पंख भी ब्लैक कलर की है. वो पूरे दिन काऊ काऊ करता है. ये कौन सा वर्ड है? आइडेंटिफाई. ये कौन सा वर्ड है? क्रॉप. मैडम क्रॉप. Crow. Very good. किसने आंसर दिया क्रो ऐसा? आपका नाम बोलो बेटा, किसने आंसर दिया? अंजू. हाँ. ओके, वेरी गुड अंजू. काले तुमने पता नहीं हम किधर हुआ तू क्या आज रजा होती कमाल ये वो मैडम एक किधर हुआ तुमने छोड़ दे ये वो किधर तू मैं तुमने कि काले रजा छे ना आज मैं तुमने वो किधर हुआ तू आज तुम्हारा मोहरम की रजा छे पर आज ये मत की तुम्हारे काले रजा छे काले कोई पर लेक्चर नहीं हो तुम्हारे लाइव लेक्चर हो
जहां पर भी उसको जमीन पे मरे हुए एनिमल्स या मरे हुए इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं वो उसको खा जाता है और पूरी दुनिया को ये साफ सुथरा रखता है रखता है। तो ये कौन सा वर्ड है? वल्चर। वल्चर बहुत उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, जो ये सब बर्ड उड़ते हैं ना उससे भी ज्यादा ये ऊंचाई पर उड़ता है और वहां से वो जमीन पर देख सकता है कि कोई मरे हुए एनिमल्स या इंसेक्ट्स है तो उसको खाने के लिए वो नीचे आ जाता है। तो ये है वल्चर। ओके, माय बीक इज पिंक फेदर्स ग्रे गटर ब्लू आई गो ऑन अ डे इन हाउस मेक माय हाउस अ डैश इज हाउ आई नो। ये इसकी जो ये बीक होती है चांच होती है वो लाइट पिंक कलर की होती है। जो उसकी चांच होती है वो लाइट पिंक कलर की होती है, उसका जो शरीर है वो ग्रे कलर का है और उसकी आवाज कैसी है? गुटर गू। और ये हमारे घर के आसपास भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? पिजन। क्या है? पिजन, जिसको हम कबूतर कहते हैं वो। माय बीक इज वेरी स्पेशियस आई इज इट लुक लाइक अ नीडल स्टिचिंग द लिप्स आई मेक माय होम अ डैश अ बर्ड्स इज हाउ आई नो। ये जो पंखी है ये बर्ड्स है वो कहता है मेरी चोंच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे हम मशीन में सिलाई करते हैं वैसे वो अपनी चोंच से पूरा अपना जो नेस्ट है उसका जो घोंसला है वो पूरी तरह से स्टिच कर लेता है और बहुत अच्छी तरह से उसका घोंसला बनाता है। ये जो सभी बर्ड्स के घोंसले होता है उससे भी अच्छा इस बर्ड का घोंसले देखने को अच्छा लगता है। तो ये बर्ड का नाम क्या है? टेलर। जैसे कि हम टेलर किसको बोलते हैं? जो हमारे कपड़े सीते हैं उसको हम टेलर बोलते हैं। पर ये टेलर की जैसे ही पूरा अपना घोंसला वो स्टिच करता है इसके लिए उसका नाम भी टेलर बर्ड है। ये ओके। इन अ ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक अ हाइडन इंसेक्ट्स आई इंटेक टक 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 आई वर्क ऑल डे वुड पेकर इज व्हाट पीपल से। ये जो बर्ड है ना उसकी चांच बहुत सी लंबी होती है। वो क्या करता है? जो पेड़ होता है उसमें ये जो ट्रंक होता है ये ब्राउन कलर का दिखता है जहां पर मैं एरो घुमा रही हूँ, ये ट्रंक में अपनी चोंच से बड़ा सा होल बना लेता है और होल में वो रहता है। और वो जब होल बनाता है अपनी चोंच से तो वो कैसे आवाज करता है? टक टक टक। इसके लिए उसका नाम है वुड पेकर। वुड पेकर। ये है कोयल, ये वल्चर, पिजन, टेलर बर्ड एंड ये जो है वो वुड पेकर है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पेज। Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep at all. ये कौन है? आउल। आउल को सिर्फ रात को ही दिखाई देता है और सुबह उसको कुछ दिखाई देता नहीं है। और वो क्या कहती है कि जंगल में आप इतना आवाज क्यों करते हो, मेरे को सोने नहीं देते हो। आउल होता है ना उसको बहुत शांति से सोने की आदत होती है, आवाज थोड़ा सा भी करते हो तो वो जाग जाते हो। तो वो क्या कहते हैं कि जंगल में आप ऐसे क्यों आवाज करते हो, मेरे को सोने नहीं देते हो। तो ये कौन सा वर्ड है? आऊ। इसको उसकी आंख देखो कितनी बड़ी बड़ी है और सिर्फ उसको रात को ही दिखाई देता है। Dear owl, birds are all praising themselves and sound. ये जो बर्ड है वो आउल से बात कर रहा है। आउल, जैसे तुमको बोलने की आदत है वैसे सभी बर्ड्स को बोलना तो होता ही है। हम थोड़ी ना कहते हैं तो वो बोलते नहीं। सभी बर्ड्स को बोलने का चांस देना चाहिए, हम किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि आप बोलो मत। तो आउल से स्टॉप तो बुलू बुलू व्हाई आर यू क्वारलिंग। We are so special in our own ways. Our claws, beaks, feathers, sounds are different. ये जो birds हैं, वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं कि सभी birds को अलग-अलग types के चांच, क्या beaks होती है, मतलब चांच अलग प्रकार की होती है। सभी birds के पंख अलग-अलग होते हैं, colors अलग-अलग होते हैं, उसकी आवाज अलग-अलग होती है। ऐसा क्यों?
सभी बर्ड एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं बेटा बताओ? अंजू, आरी, जीवन अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, सभी लोग एक जैसे होते हैं? नो नो, वेरी गुड. Which of the words mentioned in the lessons have you seen? आपने पूरे चैप्टर में जो जो वर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं ना, उसके नाम यहाँ पर आपको लिखते हैं आपकी बुक. Where you show it? यहाँ पर आपको name of the words, यहाँ पर वर्ड का नाम लिखना है. यहाँ पर वो पानी में रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, घर पर रहते हैं, जहां पर वो रहते हैं. सपोज कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ पिजन, तो पिजन कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं. नो, तो यहाँ पर आपको रॉन्ग करना है. पेड़ पर रहते हैं, हाँ, तो यहाँ पर राइट करो. जमीन पर रहते हैं, तो हाँ, कभी कभी कबूतर वो जमीन पर भी आता है नीचे, तो यहाँ पर राइट करो. हमारे घर में आता है, हाँ आता है, तो राइट करो. वो उड़ता है, हाँ उड़ता है, तो यहाँ पर राइट करो. जो जो वो करता है ना, उसमें आपको राइट करना है. जो नहीं करता है उसमें आपको क्या करना है? ओके? फिर क्या है, ये तीनों बर्ड्स के पिक्चर्स दिए हुए, पिक्चर्स के देखकर आपको उसका नाम लिखना है. ये कौन है? सॉरी, पैरट. पैरट का स्पेलिंग आपको लिखना है. फिर ये है क्रो, तो क्रो लिखना है. और ये है पिको, आपको यहाँ पर पिको लिखना है. मेरे को मालूम है आपके पास बुक नहीं है, जब भी आपके पास बुक आ जाए तभी लिख लेना, अभी नहीं लेना, ठीक है? फिर यहाँ पर ये दो वर्ड्स के नाम भी आपको लिखना है, और जो आपकी पसंद का वर्ड हो वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना. क्या करना है? ड्रॉ. ओके, आपको जो भी पसंद है आप ड्रॉ कर सकते हो. आपको पिको पसंद है पिको, क्रो पसंद है क्रो, जो भी पसंद है वो कर सकते. फिर यहाँ पर आपको रास्ता ढूंढना है. ये जो सभी पंखी है ना, वो अपना रास्ता भूल गए, तो आपको रास्ता बताना है. तो ये कौन है? ये बर्ड्स क्या खाना खाता है? ये मरे हुए, मरे हुए. जोर से बोलो. जीवन. ये बर्ड्स खाना खाते हैं इंसेक्ट. तो आपको यहाँ से उसको खींच कर उसको रास्ता बताना है कि आप कैसे इंसेक्ट्स को खा सकते हो. फिर ये जो पैरट है वो पैरट मिर्ची खाता है, तो पैरट्स को ऐसे रास्ता ढूंढ कर मिर्ची तक पहुंचाना है, ठीक है? तो वैसे सभी को ढूंढ कर आपको इसमें रास्ता ढूंढना है. Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? आपने कभी ऐसा देखा है कि जो बर्ड्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से चलते हैं? सब लोग एक जैसे नहीं चलते. जैसे पिकॉक चलता है वैसे ही पिजन चलता है? नो, सभी लोग अलग अलग तरीके से चलते हैं. कोई मुंह हिलाकर चलता है, तो कोई अपनी पंख ऐसे स्ट्राइप्स पे उड़ाकर चलता है. तो अलग अलग तरीके से पंखी लोग चलते हैं. यस और नो? यस. हाँ. यस मैम. The Muna mouse wear a red tag coat with a jerk. Auru can rotate it next. कोई जो बर्ड होता है ना, वो पूरा अपना सिर घुमा कर चलता है, जैसे कि आउरू. फिर कोई बर्ड आउरू को पीछे भी देख सकते हैं, वो पूरी अपनी गर्दन घुमा सकता है. वैसे सब लोग नहीं घुमा सकते. जैसे आउरू घुमा सकता है, वैसे पिजन नहीं घुमा सकता है. तो अलग अलग बर्ड अलग अलग तरीके से अपना बॉडी पार्ट मिलाकर चल सकते हैं. तो फेदर्स ऑफ द बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज. फेदर्स मतलब उसके पंख, वो अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं. द फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड गिव देम बाम टू. उसकी पंख, सभी बर्ड्स को पंख क्यों होते हैं? वो ठंडी में अपना शरीर को बाम रख सके, गर्म रख सके, उसके लिए सभी को पंखे होती है. From time to time, birds lose their old feathers. जैसे हम बाल हमारे जैसे बिखरते हैं, वैसे कुछ समय के बाद पंखियों के जो पंख होती है ना, जो पुरानी हो गई है, वो भी बिखर जाती है और नई पंखे आती है. You must often see feathers of birds flying around. आपने कभी भी देखा होगा कि मोर के पीछे फेदर्स होते हैं.
पिच्छू होते हैं वो कहीं पर भी जमीन पर आपको देखने को मिलते हैं। वो क्या होता है कि जो पुराने हो गए वो बिखर जाते हैं और पिकॉक पर नए पंख आते हैं। अभी यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी करना है, आपको ऐसा कोई पेपर लेना है, पेपर में ऐसे ट्राइंगल बनाना, फिर आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड लगाना, फिर यहाँ से तीसरा फोल्ड, और क्या बन जाएगा, हैंड बन जाएगा, हैंड मुर्गा। तो आपको ऐसे पेपर लेकर घर पर क्राफ्ट वर्क करना है, ठीक है, फिर क्राफ्ट वर्क करके मेरे को फोटो भेजना स्कूल के ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, यस और नो? यस 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 मैम। वेरी गुड। आज आपको सिर्फ एक ही लेक्चर है, ईएनवी का सिर्फ एक ही लेक्चर था। अभी ये जो ईएनवी का मैंने कौन सा चैप्टर आपको लर्न करवाया, कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर ए, कौन सा था ए? हाँ, वो चैप्टर नंबर ए। हाँ, वो चैप्टर नंबर ए की मैं आज आपको पीडीएफ भेजूं जो आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके ओके मैम। हाँ, और कॉल क्या है, छोटी कॉल है, कॉल कोई लाइव लेक्चर नहीं है, से यस और नो, नहीं चाहिए छुट्टी, कॉल नहीं चाहिए ना, तो कॉल ठीक है, लाइव लेक्चर होगा। यू आर नॉट आंसरिंग टू मी, ખાલી રજા ને તો પછી એન્જોય કરજો અને બુક્સ કમ્પ્લીટ કરી નાખજો। ઓકે મેમ। ઓકે टाइम टू टाइम पर भी बुक्स कंप्लीट થઈ જવી જોઈએ। કાલે રજા છે, આજે એક જ લેક્ચર છે, હવે તમારે લેક્ચર આજે નથી, બીજો લેક્ચર નથી। ઓકે ઓકે મેડમ। આજે એક જ લેક્ચર હતો અને તમારે બીજું શું કરવાનું છે, એક એક્ટિવિટી છે, પછી રવિવારે રક્ષાબંધન છે, તો તમારે સેટરડેના છે ને આપણે ડ્રોઈંગ નો લેક્ચર છે, ડ્રોઈંગ ના લેક્ચર માં તમારે રાખડી બનાવવાની છે, શું બનાવવાનું છે, રાખડી। Bye bye. Hello. Bye bye. 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 Bye b